हेलो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की पूरी डिटेल के लिए मोबाइल के गूगल में जाए और वहां जाकर आपको टाइप कर देना है ACTREC और सर्च कर लेना है। कुछ सर्च रिजल्ट आपके सामने दिखाई देंगे। पेज को आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। आपके सामने द एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एजुकेशन इन कैंसर की जो ऑफिशियल साइट है वो दिखाई देने वाली है। इस पे क्लिक कर देना है। ये वैकेंसी आपको यहीं पे मिलने वाली है। ये टाटा मेमोरियल सेंटर का ही एक पार्ट है जो कि एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर के नाम से जाना जाता है। ऑफिशियल साइट है, वो ओपन हो चुकी है और ये वैकेंसी की जो जॉब लोकेशन है वो मुंबई में रहने वाली है। लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक स्टाफ नर्स की परमानेंट जॉब है जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट भी अलग-अलग है। साइड में आपको कुछ स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। इन स्टेप्स को आप जैसे स्क्रॉल करोगे आपके सामने जॉब वैकेंसीज का एक ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इनमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इन ACTREC और इन TMH। तो ये जो वैकेंसी है ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की नहीं है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जो पार्ट है जिसको अपने कह रहे थे ना कि एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एजुकेशन इन कैंसर वहाँ की है। तो इस पे आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे एडवर्टाइजमेंट नंबर्स है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 4/2019 है वो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें फुल टाइम नॉन मेडिकल पोजिशंस है। तो इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है। इस नोटिफिकेशन के लिए अपने को यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे ये जो लिंक दिया है इस पे क्लिक कर देना है। और कास्ट सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहेगा, SC ST का क्या फॉर्मेट रहेगा, और इनकम जो EWS के लिए सर्टिफिकेट्स की क्या फॉर्मेट रहेगा, वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने हैं 20 सितंबर 2019 तक आपको फॉर्म है वो फिलअप करने हैं। उसके बाद में इसकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी है। कहाँ सेंड करनी है, क्या क्या साथ में सेंड करना है, पूरी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो एंड तक इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ साथ अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब करें और पास में हमारा बेल आइकन भी जरूर दें ताकि नर्सिंग ट्रेंड के किसी भी वीडियो का आप फ्यूचर में कभी भी मिस नहीं करोगे। नोटिफिकेशन को अपने क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। जॉब लोकेशन आपकी नवी मुंबई रहने वाली है। यहाँ पे लिखा है ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये इंस्टीट्यूट है, ये भारत सरकार का एक ऑटोनॉमस बॉडी है। पेज को आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने 12 नंबर पे यहाँ पे नर्स ए की पोस्ट दिखाई देगी जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। 13 नंबर पे नर्स ए की फिर से पोस्ट दिखाई दे रही है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सबसे पहले नर्स ए फीमेल पोस्ट की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व की 50, OBC की 30, SC की 20, ST की 8, EWS की 8 और PWD की 2 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। पे मैट्रिक्स है वो अच्छा रहेगा, जिसमें 9,300 से लेकर 34,800 तक का पे मैट्रिक्स रहेगा। ग्रेड पे 4600 रहेगा। इनिशियल पे आपका 44,900 प्लस जो आपके अलाउंसेज है वो रहने वाला है। एज लिमिट 20/9/2019 तक, 30 इयर्स तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या एज में रिलैक्सेशन रहेगा वो आगे बता दूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। जिन लोगों ने GNM किया है उनको ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा प्लस 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। जिन लोगों ने BSc नर्सिंग किया है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन किया होना चाहिए और 6 डे वीक का वर्किंग पैटर्न यहाँ पे होने वाला है। GNM के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी यहाँ पे हार्ड दी गई है क्योंकि ऑन्कोलॉजी का जो डिप्लोमा है वो मांगा गया है। नर्स ए जिसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व की 10 है, OBC की 3 है, SC की 2 है, ST की यहाँ पे 1 पोस्ट है। इसके अलावा EWS की 5 पोस्ट दी गई है। वही पे लेवल यहाँ पे 9,300 से लेकर 34,800 का, ग्रेड पे 4600, 44,900 प्लस अलाउंसेज है, ये इनिशियल पे रहेगा। अपर एज लिमिट 30 है। जनरल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो भी ऊपर की जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग सेम ही आपका रहने वाला है।
अब जो अदर कंडीशंस है, टर्म्स एंड क्राइटेरियाज है, वो बता देता हूँ कि उसमें क्या रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, 20/9/2019 तक फॉर्म भरे जाएंगे और उसकी हार्ड कॉपी है वो 27/9/2019 तक आपको सेंड कर देनी है, और हार्ड कॉपी सेंड करना है, ये मैंडेटरी है। आप सेंड करोगे तभी फॉर्म है वो माना जाएगा। आगे कहाँ सेंड करना है और क्या क्या सेंड करना है वो थोड़ा सा आगे बता दूँ। एज में रिलैक्सेशन है ये, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का मिलने वाला है। एप्लीकेशन फीस 300 रुपये की रहेगी, जो कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करनी है। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन है, उनको किसी टाइप की फीस यहाँ पे नहीं देनी है। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, इस जॉब में आपको सारे अलाउंसेज जैसे डीए एचआरए टीए वगैरह मिलने वाले हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट स्किल्स मिलने वाली है, मेडिकल फैसिलिटी मिलनी है, एकोमोडेशन यानी आपको रहने के लिए जगह मिलने वाली है, और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आपको जो न्यू पेंशन स्कीम भारत सरकार की है उसके तहत रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स है वो भी मिलने वाले हैं। फॉर्म आपको सेंड करना है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंस सेक्टर 30 सेक्टर 22 और खारगार नवी मुंबई में आपको सेंड कर देना है। क्या क्या सेंड करना है, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो साथ में सेंड करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, पर्सन विद डिसेबल कोई है तो ईडब्ल्यूएस का आपको सेंड करना है, सारी चीज़ें हैं वो आपको फोटोकॉपी के रूप में सेंड कर देनी है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे बड़ी बात है आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू या दोनों से भी हो सकता है। कब होगा पूरी डिटेल है वो इसी साइट पे आने वाली है, या अपने चैनल पे बने रहिए, पूरी डिटेल में टाइम टाइम पे आपको बताता रहता हूँ। तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल फ्रेंड्स हो गई है, फिर भी कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स जाकर कमेंट जरूर करें, पूरे कमेंट्स के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। जल्द ही हाजिर होता हूँ एक नई वैकेंसी लेकर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू फ्रेंड्स।